जनपद कानपुर देहात के थाना मूसानगर क्षेत्र के गांव आड़न पथार में 30 वर्षीय मानसिक विक्षिप्त अज्ञात महिला का जंगल के खेतों में मिला शव। ग्रामीणों की माने तो बताया जाता है पिछले कई दिनों से गांव के आसपास भटक रही थी महिला। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि गांव से कोई ना कोई खाना पानी देता था। पिछले 4-5 दिनों से गांव से 300-400 मीटर दूर जंगल के खेतों में घूमती रही थी महिला। गांव के लोग जब खेतों में अनाज फसल काटने के लिए जाते थे और जो खाना अपने साथ लेकर जाता था, महिला जहां मिल जाती थी वहीं उसको खाना दे देते थे। गांव के लोगों द्वारा बताया गया है कि आज भी गांव के कुछ बच्चे जानवर चराने के लिए गए थे, महिला बोल नहीं पाती थी। महिला ने पानी पीने के लिए इशारा किया, बच्चों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पानी दिया। दोपहर के बाद 30 वर्षीय महिला मृत अवस्था में ग्रामीणों ने देखा और पुलिस को सूचना दी। घटना पर मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी दीपक सिंह में फोर्स के लाश को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस जनपद कानपुर देहात के थाना मूसरा अंतर्गत ये पथार गांव के पास जो आहरण गांव पड़ता है वहां पर एक विक्षिप्त महिला जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जाती है जो जंगल में खेतों में मृत पाई गई है। कहीं ना कहीं इसकी हालात भूख या प्यास लग रही है, जबकि ग्रामीणों का ये कहना है कि पिछले 3 दिनों से ये महिला इसी तरह खेतों में भटकती घूम रही थी और गाँव का जो भी व्यक्ति खेतों में काम करने जाता था तो कहीं ना कहीं पानी और खाने की व्यवस्था कर देता था। आखिर इसके बाद भी मृत का कारण क्या है, इस जानने के लिए थाना मूसानगर थाना प्रभारी दीपक सिंह ने मैं फोर्स के साथ पहुंचकर मौके पर बॉडी को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिससे कि मृत का कारण पता चल सके। जनपद कानपुर देहात से मैं राजेश कुमार।